Hello students, I hope you all are well and are doing great sitting at your home. So now we are going to study information technology subject, and I have already uploaded the PDF files of both the books on your WhatsApp group. Please download that for your reference, and this is the first topic that we are going to do from employability skill, that is chapter 2, self-management skills. First slide tells you the definition of self-management. So the self-management is the ability to regulate one's emotions, thoughts and behavior effectively in different situations. तो आप डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे रेगुलेट करते हो, उसी को ही सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं. और सेल्फ मैनेजमेंट के दो और नाम हैं, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन. आप अपने आप को कैसे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हो, कैसे अपने आप को रेगुलेट करते हो डिफरेंट सिचुएशंस में, यही सेल्फ मैनेजमेंट है. नाउ व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, for the students, because self-management helps you in doing different activities effectively. Self-management teaches you how to cooperate with others in the school and at home, and at last it helps you to perform better in studies. So these self-management skills are really important for students like you. Second slide. Self-management means understanding yourself, your interest and abilities. अपने आप को जानना, अपने इंटरेस्ट को जानना कि आप क्या कर सकते हो, वो सेल्फ मैनेजमेंट है. अगर आप अपने आप को किस तरह से ग्रूम करना है, अगर आप अपने आप को अच्छे से ग्रूम करते हो तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है. एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी पे जा रहे हो और आप अपने अच्छे से, आप वेल ग्रूम्ड हो, अच्छे से बाल आपके हैं, अपने कंघी की है, अच्छे से आपने अपना मेकअप किया है, तो खुद ब खुद आपको, आप कॉन्फिडेंस फील करते हो. सो दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट. सो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स. आप अच्छी हैबिट्स सीखते हो, आप जो गंदी हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, उन पे विजय पाते हो, ओवरकम करते हो, आप अपने गोल्स को अचीव करते हो. दूसरा और लास्ट के, आप अपने चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज को फेस करते हो. सपोज करो आपके एग्ज़ाम, आपको पहले ही टाइम टेबल पता चल जाता है, आपको डेट शीट मिल जाती है, तो अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू अपना टाइम पहले ही डिवोट कर लोगे कि इस वक्त मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस वक्त मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो चीज़ आपको आगे जाके फ़ायदा देगी, ओवरबर्डन नहीं करता पूरा सिलेबस, वही सेल्फ मैनेजमेंट है. Self management includes self awareness, knowing yourself as an individual. आपके क्या likes हैं, आपके क्या dislikes हैं, that known as self awareness. अपने आप को जानना. Self control, ability to control your behavior. Discipline में रहना. आपको कहाँ ना जाए और आप तब भी discipline में हो, that is self control. Self confidence, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप में खुद ही इतना कॉन्फिडेंस हो कि आपको पता है मैं ये टास्क कर सकता हूँ, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस. प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी प्रॉब्लम को अच्छे से पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड करते हैं, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग है. सेल्फ मोटिवेशन, आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में ही इतने मोटिवेट हो कि कोई मुझे कहे या ना कहे पढ़ने के लिए मैंने 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ना है, दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन. पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, ये तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप, अपने बॉडी की साफ सफाई रखना आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है. पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, अच्छी सोच रखना, नेगेटिव ना सोचना, तो वही आपको टफ टाइम्स, टफ सिचुएशंस में आपके लिए बहुत ही काम करता है. देन टीम वर्क, सबके साथ मिलके कैसे आप काम कर सकते हो, कैसे गोल को अचीव कर सकते हो, वही है टीम वर्क. देन कम्स आउट टू बी टाइम मैनेजमेंट. 24 घंटे हैं सबके पास, पर उस 24 घंटे में भी आप
टाइम को यूज करके, अच्छे से यूटिलाइज करके अपना सारा वर्क कंप्लीट करते हो, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। लास्ट वन इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मीन्स आप एक कंक्रीट गोल अकम्प्लिश करना चाहते हो तो वो आप सेट करते हो। आपको पता है मेरे को ये गोल अचीव करना है, इस साल 80% लाने हैं, तो आप अपना एक पूरा टाइम फ्रेम, पूरा टाइम टेबल क्रिएट करते हो कि मैं इस गोल को अचीव करूँगा। दैट इज गोल सेटिंग। सो नेक्स्ट इज योर असाइनमेंट एंड यू हैव टू कंप्लीट इट टुडे ओनली।